वही है, डंडा निकल गया उससे। हेलो हेलो सर, हेलो करते हैं आपको हम। हेलो, गुड आफ्टरनून। और सामने टाटा सुमो है जो वो चलेगी नाली में, निकल जाएगी, निकल जाएगी। ये देखो, ये तो ये आप देख सकते हैं, तो बंदे भी बीच में ही है। मॉर्निंग एवरीवन, आज ना मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया, बारिश लगी हुई है जोर से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। रात को ना लाइट चली गई, तो कल का हमने एडिट कुछ नहीं किया है। अभी भी ना सुबह लाइट स्टेबल नहीं है, मतलब आ रही है जा रही है। ये देखो, जो आज शाम को मुझे वीडियो अपलोड करनी है वो अभी एडिट होनी है, नहीं तो वो मैं एक दिन पहले ही एडिट कर देता हूँ। आज के क्या प्लान है? हम लोग जा रहे हैं रोहतांग, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और वैसे कल की वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत कम है, ब्लॉग साथ रहते हैं, पर्सनल वाले उन पर रिस्पॉन्स काफी ज्यादा कम रहता है, तो इसलिए जिप्सी के साथ आज जाएंगे रोहतांग। सीजन की पहली स्नोफॉल है, एडिट वेडिट कर लेते हैं, इनको चार्ज वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये वही व्यू है रोज का जो मैं आपको रोज दिखाता था, और मैंने भी देखो टोपी वोपी पहन ली है, ठंड है बहुत ज्यादा। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं दारचा के लिए, तो मजा आ जाने वाला बहुत ज्यादा। ये गाड़ी की लाइटें इन्होंने ऑन ही छोड़ दी थी, और बारिश से हाल बेहाल है। अच्छा किया कल तिरपाल लगा लिया, जाने देंगे तो। सार्थक भैया है, वो भी मनाली में ही आए हुए हैं, यूके वाली थार जो है। आज आपको नई वाली थार भी वीडियो में देखने को मिलेगी। अटल टनल क्रॉस करके हम जाएंगे दारचा वाली साइड, ठंड एकदम। अभी अश्विन भैया चले गए पीछे, और अभी सनी भैया चलाएं गाड़ी। क्या चला है? बढ़िया बढ़िया, मैं पीछे का फील लेना चाहता हूँ। पीछे का फील लेना चाहते हैं भाई साहब? हमारी सीट पक्की है, हम इसी पे बैठते हैं। और मौसम भाई क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया, और ठंड थोड़ी ज्यादा हुई है। अभी हम जस्ट टनल के बाहर ही हैं कि यहाँ पे हो रही है बारिश, और इसके बाद अचानक से बर्फ, क्रॉस करते ही बर्फ। उस चीज का मजा अलग होने वाला है। सारी दुनिया उतर उतर के फोटो खिंचवा रही है, मतलब महीना पहले ही आया था, महीने बाद वापस ही आ गया हूँ मैं। मतलब सही है, फोटो वोटो तो नहीं खिंचवाते, लेकिन सही चल रहा है। फोटो खींच के रखी थी और दो महीने बाद पोस्ट किया मैंने। भैया डंडा निकल गया उससे, देख रहे हो आप? डंडा लेके जाना नॉट अलाउड। डंडे वंडे लेके जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर ऐसे ही नाम खराब होता है सबका। और ये हम हो गए टनल के अंदर एंटर। टनल हो चुकी है खत्म, ऐसा उफ ही निकल गया मेरा तो। इस चीज के लिए ना मनाली आया था मैं भाई साहब, दुनिया में पागल ही हो गई। ब्रेक मार रहा है, रिस्की ये रहता है, जैसे आप गाड़ियां ना स्लिप होएंगी अपनी, तो मनाली की ट्रिप सक्सेसफुल हो गई, सच बता रहा हूँ। बर्फ बहुत जल्दी पड़ी है, नहीं तो इतनी जल्दी बर्फ नहीं पड़ती है, तो ये मेरी किस्मत कह लो। JK02 ये तो अपने ही बंदे हैं, अपना बाहर की थोड़ी फील लेनी पड़ेगी। आ हा हा, ये वादियाँ, ये हसीन वादियाँ जिनके लिए हम इतना एफर्ट करते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता यार मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मेरा एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट हो चुका है। सार्थक भैया ने हमारी गाड़ी देखी, वो आगे निकल चुके हैं, तो वो वापस आ रहे हैं वहाँ से। क्या हो गया? अच्छा, हेलो हेलो सर, हेलो करते हैं आपको हम। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपको हमारा मनाली, मनाली तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और मैंने फर्स्ट स्नोफॉल भी देख लिया था। यू आर वेरी लकी। हाँ जी बिल्कुल। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, एंजॉय कर रहे हो बर्फ है ना? क्या हो रहा है बाहर? देखो व्लॉग में आ रहे हो आप, हेलो बोलो। अभी आप आगे जा रहे हैं? हाँ जी आगे जा रहे हैं, भास्कर वाला प्रोग्राम था। ठीक है, हमारी कॉन्वॉय चल रही है, कोई 10 गाड़ियां हैं हमारे साथ। ओके ओके ओके, देखते हैं कैसे मिलते हैं आपके, श्रीनगर होके निकलेंगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके ओके ओके, ये यूके वाले यही है अपने? तो भैया ये रही सार्थक भैया की गाड़ी, सब्सक्राइबर ही थे तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को स्पेशल रोक के बोला कि कहाँ है हमारे जम्मू वाले। नहीं नहीं, हाँ जी, तो जम्मू में, यूके में, हर जगह हमारे साथ। मुझे बताओ आपने पहले भी ये एक्सपीरियंस करा है बर्फ ऐसे? सारा सारा फीलिंग खत्म कर दिया मैंने, बोला मैंने बोलेंगे मैंने पहली बार ही करा। अच्छा मुझे बताओ आप यहाँ से क्या प्लान रहने वाला है? इसके बाद हम लोग आगे सिसू तक जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से बर्फ पड़ी हुई है ना, ज्यादा आगे हम जा नहीं सकते। अभी चल रहे हैं बर्फ में, जैसे मतलब अगर कोई नया बंदा आए, नया बंदा अगर आएगा तो वो ज्यादा स्पीड में जाएगा और एकदम ब्रेक मारेगा, जिससे गाड़ी इधर या उधर कहीं ना कहीं निकल ही जाएगी। 4x4 लगा हुआ है, और स्पीड आप हमारी देख सकते हो, यहीं के हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी कम स्पीड पे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होने का चांस होता है, और एक बार स्लिप हो जाए फिर कंट्रोल नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है बर्फ में, तो इस चीज का आप भी ध्यान रखें जब भी कभी आए। और सामने टाटा सुमो है जो वो चलेगी नाली में। निकाल ली, निकाल ली, निकाल ली। Oh,
पूरा वाइट ही वाइट हो गया है भैया। सामने से अल्टो पता नहीं आपको दिख रही है, ऐसे लहराती हुई आ रही है, कभी इधर कभी उधर। जी हाउ आर यू जी, मेरा मन कर रहा है मैं भी ऊपर चढूं। हाल देखो मेरी यार, ऊपर ऊपर चढ़ के वीडियो बना रहा। यहाँ से नीचे जाना है तो एक्चुअली नीचे जाना है हमें, तो अभी गाड़ियाँ यहाँ से टर्न कर लेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा टायर स्लिप कर रहा है। ओ 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 और साथ भी है कि थार भी। तो रुक जा भाई, आगे ले जाओ थोड़ा थोड़ा आगे ले जाओ, निकल जाएगी निकल जाएगी। ये देखो ये देखो, ऐसे करने की जरूरत क्या थी। चलो चले चलो जी चले आगे। गिर जाओगे तो मेरा थंबनेल बन जाएगा पक्का। गिर जाऊं? नहीं 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 मैं सोच रहा था कि कोई ऑब्स्टेकल वगैरह करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, लेकिन बर्फ पड़ गई है। मैं तो पूरा रशियन माफिया लग रहा हूं। रशियन माफिया ही है ये, हम भी कोई रशिया के तो नहीं, हम भी अपने जम्मू के रशियन माफिया है। और हम मनाली के। वो गाड़ियां हमारी कहां चली गई, सब काफी आगे जा चुके हैं और हम वीडियो के चक्कर में पीछे रह गए। फिर मैं भाग रहा हूं बर्फ में, गिर गया तो दांत टूट जाएंगे, लेकिन मैं भागूंगा। क्या कोई आज ऑफ रोड कर रहा है? नहीं तभी तो आया है फॉरएवर ऑफ रोड। देखो अभी यहाँ घुसा देंगे बीच में। आगे कितना आगे जाना है? बस थोड़ा ही है। कोई रुकने की जगह है नीचे वहाँ? पहले तो एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, अब क्या है हाथ वाथ सुनने लग गए, तो मैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठूंगा। बर्फ में ब्रेक मारो तो बिल्कुल उस पॉइंट में तो नहीं रुकेगी। नहीं थोड़ा इधर उधर स्किट हो गई होगा भाई, मेरे लिए और मेरे रेगुलर व्यूज के लिए तो ये एक्सपीरियंस अल्टीमेट है। तो अभी आपको दिखाएंगे स्लाइडिंग जिप्सी। ओके नहीं घूम पाएगी वैसी। अच्छा तब भी अश्विया आ चुके हैं अभी, बड़ी दूर चले गए। गाड़ी की आप हालत देख रहे हो, नॉर्मल ड्रिफ्टिंग वगैरह करने के बाद अभी गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है। ठंड देख रहे हो, पता नहीं बर्फ बर्फ कितनी बड़ी है, गीले वीले तो हो ही गए हैं। ओ भाई ये भी दिख रहा है आपको, गलत ही सीन हो गया इधर तो। और मैं ये हाथों से कर रहा हूँ तो हाथ मेरे ना सुन्न हो रहे हैं बिल्कुल ही। ना मैगी वैगी बनवा ली एक्चुअली ना सार्थक भैया की गाड़ी में, जैसा आपको पता है कि वो सेटअप तो सारा है, लेकिन हमारे पास ना अभी जगह नहीं है कि वो करना कहाँ है। वहाँ सामने शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ ऊपर वाटरफॉल है, सिसु इस जगह का नाम है, और यहाँ ना सबसे फेमस वही है। थोड़ा हालात ज्यादा ही खराब है तो अभी जा नहीं सकते हैं ना, आपको थोड़ा सा वो दिख रहा होगा वहाँ बीच में, तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे। ना आज वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी अभी तक, तो वो भी करनी है, पर बाकी आज मजा आया। तो खैर अब जो वो एक्साइटमेंट थी अब वो कम हो गई है, जब मैं आया तब तो मैं पागल ही हो गया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यूज टू हो चुका हूँ इस जगह को। बर्फ बारिश में बदल चुकी है, जैसे पहले रूई की तरह बर्फ पड़ रही थी ना, अभी बारिश की बूंदें आ गई हैं। हाँ थोड़ा सा स्लिप करी। तो भाई साहब यहाँ मिल चुके हैं अपने बंदे। हाँ जी विकास भैया क्या हाल चाल? ये देखो इनकी गाड़ी की हालत है, कितने दिन से, कल रात से आप यहाँ पे? चार दिन हो गए। ये विकास भैया हैं, तो ये जम्मू से ही है कि आज काफी लोग मिल गए, मतलब सार्थक भैया मिल गए, विकास भैया मिल गए, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। बुलिनो है तो फंसने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए वो भी यहीं पे थे, तो हमने कहा हमारे साथ ही चलो आप भी, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हो जाता है, वैसे ये गाड़ी साइड में चली गई है अभी, तो बंदे भी बीच में ही है तो ना हेल्प करेंगे। तो जिप्सी फॉर द रेस्क्यू, ये आप देख सकते हैं गाड़ी अंदर ही चली गई है। ओके सीट बेल्ट बन जाएगी, एक गिठाक मार देना बस। हाँ आपने वो हमारी वीडियो देखी है तो उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास टोस्ट टाइप कितना लंबा है, सीट बेल्ट तो आखिरकार वो सीट बेल्ट इधर काम आई है, आई गई सीट बेल्ट। देखो तो ये भी भाई, हाँ। आपने मेरी टो केबल ली थी देख लो। और
धक्का मारता है। और अपना काम जम गया। तो भाई साहब ये हर बार होता है हमारे साथ, कोई नई बात नहीं है। अभी अंदर तक चली गई थी गाड़ी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। गालो आप क्या निकल गया कि वो काटनी पड़ेगी? ओके, सीट बेल्ट भी निकल गई है, काटनी पड़ेगी। क्यों नहीं निकली? तूने स्टीयरिंग उस साइड काटा हुआ था, ऐसे काटा हुआ था भाई। हाँ, और बाकी ठंड काफी ज्यादा होगी अभी। हाँ जी, लग रही है ठंड? नहीं, चार दिन से टेंट में हो? टेंट में ऐसा इधर सुन रहे हो आप? ये आज उखाड़ा सुबह जब बर्फ पड़ी ना, वेट आ रहा है ऊपर। अच्छा, पत्थर आ गया नीचे। ये आप देख सकते हो, छोटी गाड़ी को बहुत दिक्कत आएगी। ठंड इतनी ज्यादा, हाथ सन हो गए। हाँ, बहुत बुरा हाल। अंदर में घुसा ना, स्मेल गाड़ी बाहर निकाली ना। उसके बाद उनको मैंने बोला, बताया कि पूरा कि कैसे कैसे गाड़ी आपने ले जानी है, ब्रेक मत मारो ज्यादा, एक्सीडेंट मत दो। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, समझ दारू पी के ऐसे ठुचे अंदर। लो अब बर्फ से सीधा पानी में आ गए। हम यहाँ पे सातक भैया और विकास भैया का वेट करेंगे। तो आ चुके हैं दोनों गाड़ी, देख सकते हो। अब यहाँ से ऊपर जाना बंद कर दिया गया, हम अच्छे टाइम पे गए और अच्छे टाइम पे वापस आ गए। तो भाई साहब फिलहाल आज के दिन के लिए इतना ही है, बस अभी पहुँच गए हैं घर। कपड़ों की मेरी आप हालत देख सकते हो। हम लोगों को तो मजा है, आप लोगों को मजा है। हाँ, तो बस कमेंट्स वगैरह कर देना, बढ़िया बढ़िया भाई, कैसा लगा आज का दिन आपको। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए एडवेंचर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ।